हेलो फ्रेंड्स, आज ये सीलिंग फैन आया हमारे पास। ये थोड़ा जाम है तो इसका क्या प्रॉब्लम है अभी देखते हैं खोल के। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले ये जो यहाँ के वायर है इसको निकाल लेना चाहिए। ये वायर निकालने के बाद में यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको खोल लेना चाहिए। इसके बाद ये जो तीन स्क्रू है इसको खोल के पीछे का जो कवर है उसको निकाल लेना है। अभी ये जो तीन वायर है इसको ये पाइप के थ्रू यहाँ से ऊपर ले लेना है। ये तीनों वायर इस तरीके से ऊपर लेने के बाद में ये कवर को ऊपर की तरफ निकाल लेना है। अभी ये जो बैरिंग है ये बैरिंग के बीच में ना कचरा आ जाता है जिसकी वजह से ये बैरिंग थोड़ा जाम हो जाता है। तो इसके बीच के जो गैप है ये गैप को सुई से थोड़ा साफ कर लेना है और साफ करने के बाद में ना इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है जिससे कि ये बैरिंग फ्री हो जाए। तो हमारा फैन जो जाम था वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पहले इसके बीच का जो ये कचरा है इसको आराम से निकाल लेना है। अभी ये साफ होने के बाद में इसमें थोड़ा सा ऐसा ऑयल डाल देना है। इस तरीके से इसमें थोड़ा ऑयल डालने के बाद में इस बैरिंग को थोड़ा घुमाना है जिससे कि ये थोड़ा फ्री हो जाए और ये फ्री होने के बाद में इसको फिट कर लेना है। तो जैसा कि अभी हमने इसमें ऑयल डाल लिया, अभी देखिए ये आसानी से एकदम घूम रहा है, एकदम फ्री हो गया है। तो अभी हम इसको फिट कर लेंगे। तो जैसा कि अभी हमने इसको फिट कर लिया है, अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी ये हमारा पंखा चलना शुरू हो गया है। अभी ये जो आवाज आ रही है ये बैरिंग की ही आवाज है क्योंकि हमने बैरिंग चेंज नहीं किया है और वो बैरिंग इतना जाम था कि उसको निकालना थोड़ा प्रॉब्लम में आ रहा था। तो अगर आप चाहे तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान से निकालना पड़ता है। निकालते समय इसकी वाइंडिंग भी खराब हो सकती है, इसलिए हम लोग ने इसको निकाला नहीं और जो था उसी में ऑयल डाल के इसको चलाया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाएंगे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे।